الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه ونشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين امنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اما بعد اپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اور اس سے اگلا और उससे अगला महीना इस्लाम में इनकी ख़ास अहमियत है अहमियत का मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसा फ़ायदा है कि जो वो बंदा हासिल कर सकता है अगर वो चाहे तो जैसे कल भी मैं मिसाल दे रहा था कि किसी बंदे को किसी जगह में किसी स्टोर में भेजा जाता है कि तुम एक महीना इस जगह में जाओ इस स्टोर में जाओ और इसमें तुम जो चाहो हीरे भी हैं जवाहरात भी हैं सोना भी है पत्थर भी है जहर भी है खाने पीने की चीज़ें हैं फ्रूट है आटा है तरह तरह की चीज़ें हैं लेकिन ये ऐसी कैशन कैरी है कि आपको एक महीना यहाँ शॉपिंग की इजाज़त है आप एक महीना शॉपिंग कर सकते हैं ये आपको स्पेशल ख़ास मौका दिया जा रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि भाई जो कीमती चीज़ें हैं वो इस कैश ऑन कैरी से हासिल करें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं बस ये है कि एक महीना आप शॉपिंग करें और उसके बाद आप उससे फ़ायदा नफ़ा उठा सकते हैं अपने आने वाली जिंदगी जो आपकी इस दुनिया में है अब वो बंदा जाता है कैशन कैरी में रोज वहाँ टीवी भी लगा हुआ है वहाँ गाने भी चल रहे हैं कोई जो है फिरता चलता है कोई चीज़ें भी खरीदता है वो देता भी है वहाँ से आखिर पर नतीजा ये निकलता है कि महीने बाद उसके घर में चंद जहर की बोतलें कुछ पत्थर और कुछ इस तरह की और बेकीमत और फजूल चीज़ें जो नुकसान दे देती हैं पेट्रोल के डब्बे पड़े हुए हैं गैस के टैंक पड़े हुए हैं वो वहाँ से वो ख़रीद के ला के या कैश एंड कैरी से ले के वो ले आया पूरा महीना अब वो वहां से क्या ले सकता था क्या ले सकता था फ्री वो सोने की ईंटे वहां से लेके ले सकता था गोल्ड की वो हीरे जो है वहां से इकट्ठे करके ऐसे जितने मर्जी टोकरी में डाल के वो हीरे भी वहां से ला सकता था वो चांदी भी ला सकता था जवाहरात और ये इतनी कीमती चीजें जो है सोने की ईंटे लेकिन उसने क्या इकट्ठा किया हुआ है महीने बाद पत्थर जहर और गैस पेट्रोल इस तरह की चीजें दो चार और चीजें हैं आप, आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस बंदे को जब यह एहसास होगा कि मैंने क्या किया है या दूसरे उसको क्या कहेंगे कि यह इससे भी बड़ा कोई पागल बंदा है या जिसका दिमागी तोजन जो है वो ठीक है कि ये इसको इतना बड़ा मौका मिला लोग तो इतना काम करते हैं चालीस चालीस साल इन चीज़ों के लिए ये एक महीने में एक महीने क्या एक रात दिन में ये इतने पैस इतनी दौलत इकट्ठी कर सकता था कि ये इसकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाती लेकिन इसने वहाँ से पत्थर और और जहर की चीज़ें और टैलेट साफ़ करने वाली जो है दवाई और जो है साबुन इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके घर में भरा हुआ है अब हर बंदा उसको मलामत करेगा कि ये तुम्हें बड़ा नुकसान किया है बस हमारे नजदीक तो वो बेवकूफ होगा कि हमारे लोग तो एक पौंड का फर्क हो तो कहते हम यहां से नहीं वहां से लेंगे बल्कि पैनियों का फर्क हो जी दूध यहां डेढ़ पौंड का वहां दो वहां भी जाते हैं तो हमारे नजदीक तो मेरा ख्याल है वो हार्ट अटैक हो जाए उसको तो हो ना हो दूसरों को हो जाएगा भाई इतना बड़ा कर सकता था क्या नुकसान हो गया इसका। बस क्योंकि हमारे नज़दीक क़दर दुनिया की है इसलिए असर भी इसका पड़ता है इसी तरह आपको अल्लाह पाक ने एक महीना अभी अल्लाह पाक अता फरमा रहा है वो कैशन कैरी जिसकी मिसाल दी वो दुनिया की है ये आख़रत की कैशन कैरी है इसका नाम है रमदान इसमें आप खजाने हैं मुख्तलिफ जिनकी दुनिया के हीरे जवाहरात के मुकाबले में बहुत ज्यादा हसीियत है और इनकी कोई हसीियत नहीं एक आप वहां एक छोटा सा अमल करते हैं उस कैश एंड कैरी में जाके उस महीने में जाके वो आपके लिए इतना बड़ा खजाना बन जाता है आप जिस तरह कैश एंड कैरी में मुख्तलिफ खजाने इसी तरह जो है उस रमज़ान शरीफ़ में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ खजाने रखे आप ख़रीद सकते हैं बड़े बड़े अमल कर सकते हैं अल्लाह को हमेशा की जन्नतें हासिल करने के लिए हमेशा के महल्ल हमेशा की जवानी हमेशा की खुशी हमेशा की सेहत हमेशा का सकून हासिल करने के लिए तो ये रमज़ान शरीफ में हर बंदा इस तरह इसमें एंटर होता है कि अल्लाह पाक दे देते उसको कि ये मौका है शॉपिंग कर सकते हो अब तुम अमल कर सकते हो छोटे छोटे अमल का बहुत बड़ा अजर स्वभाव मिलता है हमारा रद्द अमल क्या होता है ईद वाले दिन देखते हैं शॉपिंग में क्या आया है ईद वाले दिन वो रिजल्ट आता है कि पूरा महीना जो शॉपिंग की है रमजान में यानी नेकियां जो अल्लाह खजाने अल्लाह पाने रखे थे उसका नतीजा वो ईद वाले दिन नजर आता है तो जिस तरह ये कैश एंड कैरी जाके जहर खरीद ले आया और गैस और पेट्रोल खरीद ले आया बेवकूफ ये बंदे भी गुनाहों के जहर और अल्लाह की नाफरमानी के पेट्रोल ये इकट्ठे करके ईद वाले दिन वही चीजें जो वह नजर आ रही होती हैं इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है कि जिसने ये अपने नफ्स पर कंट्रोल किया इसको हद में रखा और अमल किया मौत के बाद वाली ज़िंदगी में इस ज़िंदगी के लिए मौत के बाद वाली जो हमेशा की ज़िंदगी आने वाली क्योंकि अल्लाह ने भेजा ही यहाँ हुआ इसलिए हुआ फरमाया व आजिज़ों के आज़ और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने इसकी तशरी की कि बेवकूफ़ वो है मन अतबा नफसा कि जिसने पैरवी की अपनी ख़्वाशात की अपने नफ्स की व तमन्ना अल्लाह और अल्लाह पर तरह तरह की उम्मीदें वो फिर बांधता है उसके बावजूद वो नाफ़रमानी कर रहा है वो गुनाह कर रहा है वो जहर और बारूद इकट्ठा कर रहा है लेकिन वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसको माफ कर दे अल्लाह उसकी मफरत कर देगा ये होगा वो होगा फरमाया ये उम्मीद नहीं ये गरूर ये बेवकूफ है ये बंदा आप खुद अंदाजा लगाए आपके घर की मिसाल देते हैं आपके बच्चे रह रहे हैं बीवी रह रही है अल्लाह जो चाहे कर सकता है अल्लाह जो चाहे वो कर सकत है, है आप घर में क्या करते हैं के बारूद ये बम होते हैं बम टाइम बम और इस किस्म के बम जो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर लेते हैं वो पंद्रह बीस खरीद के कमरों में रख देते हैं और साथ ही पेट्रोल के टैंक भी ले आते हैं बंदे कहते हैं भाई क्या बीवी बच्चे कहते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ आग लग जाएगी ये बम फट जाएंगे आप कहते हैं आपको पता नहीं हजरत इब्राहिम अल्लाम के लिए अल्लाह ने आग ठंडी कर दी थी अल्लाह चाहेगा तो ये कैसे फटेंगे अल्लाह की इजाजत के बगैर तो नहीं फटेंगे वो अपने बम पेट्रोल और ये चीजें घर में इकट्ठी कर रहे हैं और जो कहता है तो उसको वो कहता है कि अल्लाह चाहेगा तो आग भी ठंडी हो जाती है वो ये नहीं फटेंगे मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं हिफाजत में रहूंगा आप खुद अंदाजा गए जब घर उसका बारूद से और बम्बू से भरा हुआ है किसी बच्चे ने किसी वो अब बेवकूफ़ है या नहीं कि जो ऐसी उम्मीद रख रहा है अल्लाह से बल्कि अल्लाह मान तो फिर मैं एहतियात करो दीन का तो हुक्म है भाई एहतियात करो और ये बारूद और बम्ब इकट्ठा करके घर में रख रहा है दस यहां रख दिए दस बेडरूम में दस बच्चों के और जब कोई कहता है इसको कि भाई ये क्या कर रहे हो तो वो कहता है अल्लाह पाक चाहेगा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है इसको ही ठंडा कर देगा जिससे हज़र इब्राहिम के ज़माने में आग को ठंडा किया तो हर बंदा हमें भी समझ आती है कि ये बेवकूफ़ी है हाँ कहेंगे बेवकूफ़ है ये दीन ये तो खुदकुशी है ये तो तबाही कर रहा है बस इसी तरह मिसाल समझें कि जो बंदा अपने घर में यानी अपने जिस्म में अपने ज़िंदगी में गुनाहों को इकट्ठा करे गुनाह ऐसा बम है जो छूटता है जहन्नम की आग का बम है गुनाह आपने यहां सुना है ना एटम बम कुछ भी नहीं है गुनाह वो बम है ये जहन्नम का बम है ये जब छूटेगा कुछ ना पूछो ये यहां तक के भाई बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत इसराइल अली इस्लाम हालांकि वो आम सजा नहीं देते जहन्नम की उनका तो काम है रुए निकालना लेकिन फिर भी वो अपना काफ़रों फासकों फ़ाजरों के जब आते हैं तो सजा ले कर आते हैं तो फरमाया कि दूसरे फरिश्ते भी उससे इस तरह डरते हैं जिस तरह आम बंदा शेर और सांप से डरता है सिर्फ इसके कभी उसके दोनों रूप हैं कि वो बदबख्तों के लिए वो अजाब भी है और खुशबू के लिए वह रहमत भी है इसके दोनों रूप देख के वह फरिश्ते डरते हैं उससे मलाइका डरते हैं दूसरे फरिश्ते राइल से डरते हैं इसे वो नजर आ जाए वो डरते हैं उससे उसका जलाल है उसका रोब है दबदबा अल्लाह ने उसको अता फरमाया दूसरे मलाइका तो अब आप सोचें कि आपने घर में जो गुनाहों की मतलब टीवी पे बेहयाई हो रही है बेपर्दगी हो रही है बच्चियां बेपर्दा फिर रही हैं नमाजों का नहीं कहना गिबतें चल रही हैं तो ये सारे बारूद से घर भर रहे हैं गाना बजाना ढोल डमक रात को जाग रहे हैं दो फजर के वक्त सो रहे हैं और कोई पता नहीं हलाल आ रहा है हराम आ रहा है तो ये तो बारूद इकट्ठा कर रहे हैं बंदा सारा अब फिर बारूद इकट्ठा करके बम इकट्ठे करके तो ये अल्लाह से उम्मीद रखता है ये फटेगा नहीं और अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई इस पर जो है यानी कुरान मजीद में बताया कि भाई ये जहन्नम में ले जाने वाली चीजें हैं दो जख में ले ये अजाब वाली चीज़ें हैं तो अब ये उम्मीद ये उम्मीद नहीं कह सकते इसको बेवकूफ़ी कह सकते हैं आप कि घर में बम इकट्ठे कर लेना पेट्रोल से घर बड़ा उम्मीद रखना कि मेरे घर में फूल खिलेंगे ऐसा भी कोई बंदा है मेरे घर में बाग लगा होगा और फूल खिलेंगे बस इस बंदे की मिसाल ऐसे ही है जैसे जो गुनाह करके और समझता है कि जन्नत मुझे मिलेगी अल्लाह की रहमत से मैं उम्मीद रख रहा हूं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना का मतलब यह होता है कि बंदा जो नेकी कर के भी डरता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले अपने फजलो करम से ओ मैं तेरी रहमत से उम्मीद रखता हूँ अपने अमल पर उम्मीद नहीं रखता यानी हुक्म तो यह है कि नेक अमल पर भी उम्मीद मत रखो हुक्म यह है कि नेक अमल आप करते हैं गुड डीड आप करते हैं हजूर आलिम ने फरमाया कोई भी तुम में से अपने अमलों से सिर्फ जन्नत में नहीं जा सकता जब ताकि अल्लाह की राहमत शामिल हाल ना हो मतलब इसका ये कि नेक अमल भी जो है वो भी उससे भी उम्मीद मत रखो बल्कि अल्लाह की राहमत से उम्मीद रखो और कहाँ वो बंदा जो गुनाहों से उम्मीद रख रहा है कि भाई मैं जन्नत में जाऊँगा गुनाह करके फरमाने करके ज़िंदगी में बगावत करके तो वो कहता है मैं मैं उम्मीद रख रहा हूँ अल्लाह से होप है मेरी मर्सी है और अल्लाह पाक ने ब्लैक एंड वाइट साफ साफ फरमाया कि वह इन्नी लगफ़ार आई एम मैं बख्शने वाला हूँ आई एम द मोस्ट फॉरगिवर

just to summarize what i said that now if someone gives you opportunity to go to a gold mine to take gold out for one month free how much ever you want and after a month you come out with copper and stones what would you say what would you think what you have done what would others say what you have done that you could have extracted gold, diamonds out of it, and you were given free access, facilities, support, and what you come out with is copper and stones. This is loss. Similar is the example of the month of Ramadan. month of Ramadan is a gold mine. Month of Ramadan is a gold mine, a mine which you can extract gold, you can find diamonds. So month of Ramadan has treasures in it. And if you, like the person who, who are given access to gold mine, he comes out with copper, and after Ramadan you come out with same old lifestyle, same old sins, same films, same dramas, same girlfriends, and same everything, no change to halal, no change from zina to nikah, from drugs to lawful drinking then really that person have not achieved anything he could have achieved gold and he came out with copper and stone he could have become a person of jannah and he still is becoming inhabitant of hell so this is a great loss and why this happens is because we sit like dummies and wait actually for ramadan बिकॉज रमज़ानीज प्रशन मंथ्स बिफोर नॉट डेज बिफोर मंथ्स बिफोर इट नीज प्रशन रमज़ान की तैयारी महीने पहला की जाती है कई महीने पहले दिन नहीं तो वो जो बंदे इस तरह जाएंगे तैयारी के बगैर तो उनको बस वही वो वही होगा कि आता आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहेगा और उनकी कोई तब्दीली कोई नहीं ईद वाले दिन देख लें क्या रिजल्ट वट कम्स आउट दैट इज द आउटकम दैट इज द वेज ऑन द ईद डे वै what type of person to, to us if someone looks that instead of th what we do on the eid day or after eid it seems they have been a shaitanic course shaitan has taken a th on them a 30 days course how to become more shaitanic and more rebellious that's what the result reflects that what they've been doing all the madan not actually praying or actually Purifying themselves, but rather they are being trained and groomed to how to become more devilish and more actually shaitanic and more evil. That's the life. If someone looks, that reflects. But we do not. So still, there is month or so prepare, learn, come. We have a system. We have method how you can learn beforehand, prepare beforehand. You don't go to the driving test. And say that this is the time of learning for you. You learn before four months, five months, then you go to a driving test. An athlete goes to athletics or a, some, somewhere before he trains. You don't enter the arena, you don't enter the track, you don't enter the ground, just there, because you won't achieve anything. That's how it happens with us. I'm sitting like this, one day, it's Ramadan tomorrow, okay. Mubarak Mubarak, one, two, three days doing everything well, and after that there is a declination. So imagine, I give you an example. Rasulullah announced Nabuwat, prophethood at age of 40. Age of 40. Now imagine all those years, 10 years or more, 13 years he lived in Makkah al Makarma. Sahaba is one lived in Makkah.

पंद्रह साल बाद रमज़ान का हुक्म आया सहाबा के लिए तो पहले पंद्रह साल क्या हो रहा था पहले पंद्रह साल तैयारी हो रही थी कि रमज़ान शरीफ गुजारने की वरना पहले नमाज का नौ साल बाद हुक्म आ गया रोजे का जो है ये तेरह साल बाद तेरह साल के बाद पंद्रह साल पंद्रहवें साल में आया एंड देवर प्रफेरिंग प्यूरिफिकेशन प्रेपरेशन सो दैट व रमजान अचीव गोल्ड एंड डायमंड आखिर फ्रॉम दैट रमदानपन चलो हम तेरा साल तो नहीं हम कम अज कम पांच छह माह पहले तैयारी कर रहे थर्टी मंथ पहले तैयारी कर रहे तो सोचे क्यों है डोंट वेट एंड एक्चुअली बंदा कह रहा था टू मिनट लेफ्ट कि भाई गुना क्यों करते बंदा शेतान तो बुजुर्ग से पूछ रहा था शैतान तो कैद होता है शैतान इज़ ही सेनी वन कमिट सिन हिमसेल्फ इज़ डैबल ही डोंट नीड अदर ड उन्होंने फरमाया कि शयातीन जिन्नों के कैद होते हैं जो बंदा कबीरा गुना रमज़ान में भी करता है वो खुद शैतान है उसको शैतान कौर की ज़रूरत नहीं है वो जिन्नात के शैतान वो भी बड़े बड़े उनके लीडर कमा कैद होते हैं छोटे मोटे नहीं बहरहाल इंसानों के शैतान जिन बल इन सला शैतानों इंसानों में भी होते हैं जिन्हों में जो भी गुनाह की तरफ आपको उकसाए वो शैतान है वो, है। वो ही काम कर रहे हैं तो उन्होंने फरमाया कि ये जो तुम कह रहे हो जी मैं क्यों गुनाहों में मशगूल हो जाता रमजान में तो उन्होंने फरमाया कभी सोचा है कि तुम खुद तो शैतान नहीं हो अपना टेस्ट कराओ कि खुद ही तो तुम शैतान नहीं तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है शैतान की तो इस तरह जो है पहले इन शह के फजल स्थान से तैयारी करें And also, after the if you are not working, there is a dars on the shamil on the life of Rasulullah after Juma for about 20 minutes. Then we go to the graveyard to remember akhirah, remember death, and also 15, 20 minutes from Quran and hadith, some of the teachings of Rasulullah on death and what happens after death and benefits of remembering death and visiting the graveyard. Now this to you, कि आपको तो जीबो हो रही भाई ये कब्र जिंदा ही कब्रस्तान में जा रहे हैं भी वहीं जाना है जाए कि बंदे उठा के आपको लेके कर जाए पहले जाओगे तो तैयारी करके जाओगे कब्रस्तान भी खुश होगा हदीस में आता है कि कब्रस्तान दुल्हन की तरह सजा लेता है जब मोमिन की जब मोमिन का जिसम आ रहा हो तो इतना खुश होता है वो पूरा कब्रस्तान सजा लेता है अपने आप को स्परिचुअली आसमान सजा लेता है कि भाई मोमिन आ रहा है तो पहले हजूल सलाम ने फरमाया ख़ुद भी आप उठ के रात उठ के अम्मा आयशा फरमाती हैं बाद दफ़ा जन्नतुल्बकी कब्रस्तान में दुआ कर रही होती हैं अपनी उम्मत के लिए कब्रस्त रात को जूठे चलो हम दिन को वक्त मिले अगर वालदेन वहाँ दफन है बहन भाई है नहीं तो मुसलमान तो हैं अपनी आखरत याद करें उनके लिए दुआ करें तो ये आपको अजीब बात लग रही है ना मौत के बाद अजीब नहीं लगेगा यही असल काम था दुनिया अजीब लगेगी या बीवी बच्चे हर चीज़ सेहत भी छोड़ गई और हर चीज़ छोड़ फिर आपको यानी आंखें खुलेंगी उससे पहले ही बेहतर है बंदा एक दूसरे के लिए मदद करे दुआ करे नसीहत की कोशिश करे एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश करे ताकि जो है बंदा अल्लाह का सही बंदा नबी सही आशिक और सुन्नत का मतबे बन सके अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तोफीक दे और जो तफीक दी हुई है उसको इस्तेमाल بيكرين ضرور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سنة الى الى لِلَّهِ وَحْدَهُ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد وعلى آله وَأَصْحَابِهِ وعلى أَمَّا وأصحابه जब बंदे को किसी शह से किसी जात से मोहब्बत हो जाए तो उसको उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है और वो उसकी नक़ल करने की कोशिश करता है मसलन आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरी वो जिस कंपनी की है जो उसका रंग है आपको पसंद आ गया आप कहते हैं तो जब आपका गाड़ी लेने का इरादा होगा या दिल में ये बात आएगी तो लाम हाला आप के ज़हन में ये होगा कि मैंने वो गाड़ी वो रंग वो मैं हासिल करूँ किसी की गड़ी देखी किसी का फ़ोन देखा किसी का मकान देखा पसंद आ गया तो अगर पसंद आ गया तो आप भी उसकी तरह लेने की कोशिश करेंगे नकल करने की कोशिश करेंगे दुनिया में यही चल रहा है आप देखते हैं ये फैशन क्या है ये जो फैशन होता है ये क्या है भाई एक औरत दूसरी औरत को देखती है उसको उसका जेवर उसको उसका लिबास कपड़े का रंग पसंद आ जाता है तो वो भी नकल शुरू कर देती वो नकल करती है दूसरी नकल करती है तीसरी तो वो सारे माशरे का रवाज बन जाता है इसी तरह मर्द भी है वो देखा जी चौधरी साहब इस तरह चल रहे हैं अब उसको उस तरह चलना पसंद आगा जी मैं भी चौधरी की तरह चलूंगा ए जी, उनका ये है उन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ है उसमें गधे रखे हुए घोड़े रखे हुए हैं अब वो भी कहे मेरा भी इस तरह होना चाहिए तो बात क्या है कि पहले बंदा जिस चीज को देखता है औरत हो मर्द हो अगर उसको वो दिल को अच्छी लगे तो वो उसकी नकल जरूर करता है जो बंदे जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं औरतें हों या मर्द जिस तरह का उनका लबास है जिस तरह का उनका उठन है बैठन है जो भी चीज़ है वो उसका बैकग्राउंड ये है कि उनको किसी ना किसी में वो चीज़ अच्छी लगी इसलिए वो उस पर अमल और उस पर कायम उदायम है तो इसी तरह जो है बिला तशबी विला मिसाल रसूल अल्ला वसम कि जात जिसकी आँखों में चच जाएगी मोहब्बत हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद आ जाएंगे आप का तरीक़ा पसंद आ जाएगा शरीयत पसंद आ जाएगी तो कोई वजह नहीं कि वो उनके पीछे ना चले ये हो नहीं सकता वो उनकी इत्तबा ना करे कि जब काफ़र की भी बंदा इतवा करता है जब उसको पसंद आ गया उसका लबास जी इसका हेयर स्टाइल पसंद आ गया आप भी उसका न गाड़ी पसंद आ गई उस रंग की उस शेप की आप भी वो गाड़ी लेते हैं घर पसंद आ गया आप भी वो घर लेते हैं कपड़ा पसंद आया वो भी लेते हैं फुटबॉल टीम पसंद आ गई उसके साथ उसके रंग बरंग के साथ आपका तल्लक हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये इंसानी फितरत है इंसान में ये चीज़ है कि जिसको वो पसंद करेगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत हो जाएगी जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी वो उसकी नकल करेगा सब के ख़िलाफ़ चल के भी उसकी नकल करेगा अब लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चल के भी फ़ैशन की नकल कर रहे हैं पता है हम इतनी इतनी बड़ी हस्तियों का के बगावत कर रहे हैं उनके साथ इतनी बड़ी हस्तियों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं लेकिन वो उनमें जो क्योंकि वो कहते हैं हमें ये लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है हमें तो ये चीज़ अच्छी लगती है ये कपड़ा ये बैठना उठना इस तरह चलना इस तरह बातें करना तो वो वो अपना करते हैं। तो जिसको इसलिए इस्लाम में नबी वम की मोहब्बत पर जोर दिया जाता है कि अगर आप आप्लाम की मोहब्बत बंदे में रच बस जाए तो फिर उसको कहने की जरूरत नहीं फिर उसको कहने की जरूरत नहीं वो खुद ब खुद ही पीछे चलता चलेगा वो हो ही नहीं उसको कहने की जरूरत नहीं सहाबा को कहने की जरूरत नहीं और बहुत सारे काम सिर्फ नबी वसलम की मोहब्बत में आके करते थे मसलन ऐसी जगह मुस्कराना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु सेवाद है आ, उनके मुतलक बयान किया गया कि वज़ू करके आप मुस्करा रहे थे तो पूछा साहबा ने दूसरों ने कि क्या हो गया आप मुस्करा रहे हैं तो आप है। रज़ी अल्लाह तरमाया कि कोई वाक़ा नहीं हुआ कोई वाक़ा नहीं हुआ अभी लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़ हो चुका है कि मैंने नबी नबीम को देखा यहाँ आपने वज़ू की फरमाया और कोई बात ऐसी हुई कि आप मुस्करा दिए तो मैं आप्लाम की उस अदा की नकल कर रहा हूँ उस सुन्नत की नकल कर रहा हूँ तो अब ये ज़रूरी तो नहीं था वो करते ऐसा हजूरअली ने हुक्म तो नहीं दिया हुआ कि वह ऐसा करते कि वुज़ू के बाद मुस्कराया करो क्यों वजह है कि वो अंदर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो चुके थे अंदर उनको अच्छा लगता था हजूरअलाम तो के साथ बैठना आप्लाम की सीरत और सूरत और अदाए ये मैंने कहा कि ये सिर्फ नबियों के साथ नहीं जिसके साथ भी तल्लक किस तरह का कायम होगा आपका आपके दिल को बहेगा आपके नफ्स को आपकी अकल को आप उसकी नकल करेंगे आज लोग फैशन पर क्यों चल रहे हैं कि उनको किसी को देखा है तो उनको पसंद आ गया है गलत काम पर क्यों चल रहे पता है अम्बिया कि ये सुन्नत नहीं लेकिन वो काफ़रों की सुन तरीका है लेकिन उनको किसी को देखा उनको पसंद आ गया ये मॉडलिंग ये सब कुछ क्यों हो रहा है कोई मैगजीन पे कोई औरत ड्रामे में किसी और को देखती है उसको उसके कपड़े उसकी चाल डाल पसंद आती है तो वो भी घर में खामद गया मुझे भी उस तरह का कपड़ा लेके दो क्यों उस तरह का कपड़ा उसको कोई पसंद आ गया है उसको कोई कपड़ा अच्छा लगने लगा है उसको कोई जेवर अच्छे लगने लगा है गाड़ी भी बंदे आप देखते नहीं हर बंदा अपनी पसंद की हर तो नहीं लेकिन अक्सर बंद अपनी पसंद की चीजें रखते हैं अगर अफोर्ड कर सके गाड़ी वो रखेगा जो उसको अच्छी उसने कहीं देखी हुई है मकान वो लेगा जो उसकी उसने कहीं देखा हुआ है कपड़े वो पहनेगा जो उसको पसंद है कहीं देखे हुए तो छोटी, छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग नकल करते हैं घर में डेकोरेशन हाँ फला के घर गए थे अच्छा लगा कुछ उसका पेपर बहुत अच्छा था उसका कारपेट बहुत अच्छा था ये, ये मैं भी वो भी उसी तरह नकल शुरू हो जाती है इसी को कहते हैं ना रस्म और रवाज व क्यों पड़ जाता है कि एक बंदा करता है दूसरे फिर दूसरों को वो अच्छा लगता है वो भी अपना लेते हैं तो इसलिए अगर बंदे ने मोहब्बत का ताल्लक जो है लोगों से बंदों से जोड़ लिया नफ्स से जोड़ लिया शैतान के जोड़ लिया तो सारे खींचते भी रहे माँ बाप भी खींचे पीर भी कहे नहीं करना लोग भी कहे नहीं करना ये उसी शैतान के पीछे और उसी गलत तरीके के पीछे जाएगा क्यों इसके अंदर वो फिट हो चुका है मैग्नेट के जो नेविगेशन शैतान ने लगा दिया है इसने उसी के पीछे जाना है तो इसलिए हुक्म ये है कि भाई आँखें भी सही तरह इस्तेमाल करो वही किसी से लगाव हो ही ना गलत बंदे से तो अगर बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क या मोहब्बत नसीब हो गई तो उसको कुछ कहने कहाने की ज़रूरत नहीं वो खुद ब खुद उठेगा खुद ब बहुत हदूर अलीलाम के पीछे चलेगा खुद ढूँढेगा इसलिए शेहबू मदियन का वाक़ पिछले हफ्ते भी मैंने सुनाया था कि वो उनका मरीद बहुत ऊँचे दर्जे का मरीद था बाजार में गया वापस आया बताने लगा क्या हज़रत साहब आज मैंने बड़ा बुरा मंजर देखा है आपने फरमाया क्या देखा है तो मैं एक बंदा शराब पी रहा था बाजार में आपने फरमाया आज से तुम हमारी मजलिस में नहीं बैठ सकते आज से तुम हमारी मजलिस में नहीं बैठ सकते खत्म मेरी तेरी मरीदी और मतलब यानी खत्म ताल्लुक वो तो चला गया उठ के उसकी तो तरबियत के लिए आपने तंबी फरमाई दूसरे पूछा दे तो उसने बंदे को शराब पीते तो वो गलत काम कर रहा था वो तो शराब पी रहा था उसने तो बाजार में गया देख लिया आपने फरमाया वो जो गलत काम कर रहा था मैंने इसलिए नहीं कि वो कोई सही काम कर रहा था या वो बुरा काम नहीं है इसको इसलिए मैंने तंबी की है कि इसने फजूल देखा है इधर उधर इसको वो नजर आया ना अगर ये अपने काम से काम रखता जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है नगान नीची रखो नगान नीची रखता अपनी चीज ले आता इसने इरा तन अपने इरादे से रेडार की तरह इधर उधर मुंह फेर रहा था तो कई बंदा नज़र आ जाना तो एक मुसलमान की इसने मतलब ये गुनाह भी नज़र आ गया फिर इसने आके तस्करा भी किया और जो है बार इसकी तरबियत के लिए कि नज़र गलत इस्तेमाल की इसलिए हुक्म है कि नज़र गलत इस्तेमाल ना करो कि बहुत सारे मेरे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे आपके माशरबी मामले हैं ऐसी बीवियाँ हैं जो खामदों से जान छुड़ा रही है कोई और उनको पसंद आ गया बच्चे हैं दो दो तीन एक बच्चा है दो बच्चे हैं मैं खुद मेरे इल्म में ये चीजें कि अच्छा भला खामिद है हकूक पूरे कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अब वो उससे बिगड़ के लैदगी चार रही है क्यों उसको कोई और पसंद आ गया है ऐसे मर्द हैं औरत घर है खूबसूरत है ठीक है बच्चा है औलाद है सब कुछ है लेकिन वो किसी और से सेशी के बारे में सोच रहे हैं फ़ोन कर रहे हैं इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं घर को जहन्त बनाया कितने घर इससे तबाह हो होगी तुम्हारे लोगों को कहो भाई तजकिया करना ज़रूरी है ये तरीका मोहम्मदिया किसी तरीक़ा के मुताबिक भाई आँखों की हिफाजत करना ये कानों की हिफाजत करना होगा ये क्या बात है जी वो जब अपने घर उजड़ते हैं ना फिर आपको पता चलेगा वो क्या बात होती है जब आपकी बेटी उजड़ेगी फिर आपको पता चलेगा क्या बात होती है जब बेटा उजड़ेगा जब खानदान तब आप फिर आपको मतलब ये जुबान क्यों सही इस्तेमाल करनी चाहिए ये आंखें क्यों इनकी हिफाजत करनी चाहिए ऐसे वाकयात अब हो रहे हैं और हैं हमारे लोग जो हैं वो नशे में धुत यानी दुनिया के नशे में गफलत का नशा जो है आया हुआ है बहरहाल आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि वसल्लम की मोहब्बत जब बंदे को नसीब हो जाती है तो वो उनके पीछे 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 चलता है बिल्कुल कदम 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 ब कदम उसका होता है और अगर नहीं तो उसकी मोहब्बत नाकस है थोड़ी है कुछ आप से है कुछ अपने आप से है कुछ अलैहि वसल्लम से है और कुछ अपने आप से है भाई आपने जी मैंने भी जी जिंदगी गुजारनी जी दुनियादारी भी तो करनी है ना माश ये अपनी मोहब्बत है बदरी की मोहब्बत है तो इस नबीम से भी कुछ है अपने से भी है और हजूरअल्ला ने फरमाया कि तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने ज़ात से भी से ज्यादा मोहब्बत अपने यानी अपनी ज़ात से भी ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करें लेकिन वो नहीं कुछ हमने अपना आधा तीतर आधा बटेर बना बने हुए हम भाई ना पता भाई क्या है ना शैतान है ना नेक खिचड़ी सी जो है वो बनाई हुई तो ये उसवा हसना नबी वसल्लम के जो शमाइल बयान किए जाते हैं असल तो उस बंदे के लिए जिससे महब्बत हजूर असलम की मोहब्बत कैसे पैदा होगी इस्लाम की शान को पढ़ें आप की सीरत को पढ़े इस्लाम के अखलाक को पढ़ें आपके अल्लाह के हाँ आपके मकाम को देखें और आप क्या ले के आए वो देखिए आपकी ज़िंदगी तस्करा तो इससे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती बंदे में और उनके एहसानात को समझना तो फिर बंदा को इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आप ने ख़ुद फरमाया कि ईमान कामल तब होता है जब मोहब्बत कामिल हो जाए क्योंकि जब मोहब्बत कामिल होगी तो वो फिर कामिल तरीके से पीछे चलेगा जब मोहब्बत थोड़ी थोड़ी है तो थोड़ा थोड़ा पीछे चलेगा थोड़ी थोड़ी नमाजें थोड़ी थोड़ी सुनते हैं, थोड़ी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़े थोड़े आपने काम करेगा सीधी सी बात है तो ये हजूरअल्लाम के कुछ शमाइल आपके सामने हर जुमे बयान करते हैं आप का खादमों और नौकरों के साथ एक ख़ास अमल था अमल और यानी बहुत दरगुजर का उसने बर्ताव ऐसा था कि हमारा एक दूसरे के साथ भी नहीं अब आपके नौकर तो नहीं यहाँ पर लोग नौकरों ने नहीं, नहीं रखे हुए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नौकरों के साथ अपने खादमों के साथ जो रवैया रखा वो कम अज कम हम एक दूसरे भाइयों से साथ तो रख ले एक दूसरे आम आज़ाद इंसान है वो भी इंडिपेंडेंट रह रहा है आप भी इंडिपेंडेंट है यू नेबर है आपका या आपका भाई है और तो भी जो भी रिश्ता है या नई मुसलमान है आज़ाद है तो हजूरअल सल्लाम के जो नौकरों के साथ तर्ज अमल था हमारा वो अपने आज़ाद लोगों आम मुसलमानों के साथ वो नहीं तो उससे समझे इसलिए इबरत है तरमाते हैं कि मैंने दस साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की मगर कभी आपने उफ नहीं फरमाया, मामूली ममूली मामूली बात डांट नहीं फरमाई और ना किसी काम के करने और ना करने पर क्यों क्या किया और क्यों नहीं किया ये नहीं फरमाया मुस्लिम शरीफ ने इसको रवायत किया ये आप देखें ना ऐसा हुसन है हजूरअलम की कोई है बंदा जो का कर, कर सके इस तरह हमारे दो बंदे इकट्ठे रहते हैं हफ्ता वो लड़ लड़ के वो उन्होंने यानी गित बनाई होती है मतलब ज़रा एक जाति करता है तो दूसरा लेकिन जो है नज़रअंदाज करना या एक दूसरे को जो है वो कभी दरगुजर कर देना वो लोगों में बहुत कम पाया जाता है आम भाइयों को बहनों को रिश्तेदार दरगुजर नहीं करना और रसूल अल्लाह सल्लम आपके खादिम कोई काम नहीं कर रहे तो आप उन पर दरगुजर फरमा रहे हैं क्योंकि गुनाह का यानी काम करने पर तो आपसे कभी खामोशी नहीं इख्तियार फरमाई लेकिन ये बात है वही फरमाते हैं तन फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा तो मैंने कह दिया वल्ला मैं ना जाऊंगा आप बच्चे थे कि वल्ला के अल्लाह कसम मैं नहीं जाऊँगा कहते मेरे दिल में था मैं जाऊँगा लेकिन मैंने जाहिर ही कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया चनाचे मैं निकला यहाँ तक के बच्चे बाजार में खेल रहे थे काम के लिए वो गए कोई पहले तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा तो आ, आप ने उस पर कोई उसको तम्बी नहीं फरमाई फिर कहते मैं घर से निकला तो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ खेलना शुरू हो गया अब हजूर सल वसम इंतज़ार फरमा रहे हैं कोई काम के लिए ज़ाहिर भेजा है कोई चीज़ लाने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं अब नबी अल्लाह के इमाम वम्बिया उनसे ज़्यादा अहम अं वक़्त किसका होगा टाइम कीमती किसका होगा इनका एक एक सेकंड जो है वो की, इंतहाई कीमती इंतज़ार फरमा रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे फिर आप हाँ खुद निकले भाई पता भाई वो क्यों नहीं आए देखा तो वो खेल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाके कहते हैं कि मेरी गर्दन पकड़ ली मैंने मुड़ कर देखा हाथ रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि आपने मुड़ कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे आप आपली वसम मुस्करा रहे थे अब ये है मोहब्बत करने में जब ऐसी हस्ती से महब्बत को जिनके ये अखलाक है ये तरीका है ऐसा भी कोई करता है कर यह बंदा जो है उसवा तो है लेकिन ये है हुसन हजूरअलाम की सीरत का कि भैया नहीं मुस्करा रहे मुस्करा रहे थे और फरमाया मुनैस जहां भेजा था वहां गए थे मैंने कहा अब जा रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये उम्मे सलमा रत आप की रोज मुतहरा हैं हमारी माँ हैं फरमाती है कि सलाम के घर में थे सलाम ने खादमा को बुलाया खादमा के जो खादम वो या खादमा नो करानी जो होती है मसा पर उसने देर कर दी उसने देर कर दी अब जाहिर है बुला रहे हैं कुछ ज़रूरत है वरना तो आप अक्सर काम बीवियों के भी बहुत ज़्यादा काम करके खुद किया करते थे अब उसको कह दिया है तो जाहिर है बहुत ज़रूरत होगी बहुत ज़रूरत होगी अब वो आ नहीं रही देर कर रही है उसने देर कर दी तो आपके चेहरे पर कहते यानी चेहरे अनवर पर नाराज़गी के निशानात जाहिर हुए तो तुमने सलमा पर्दा के पास आई तो देखा देखा वो क्या कर रही वो खादमा खेल में लगी हुई है वो खेल में लगी, वो खेलने लगी हुई है है खिदमत के लिए बुलाया भी है वो अपनी खेल में शामिल है तो आप सोलह ने फरमाया कि क़यामत के दिन बदले का खौफ ना होता तो मैं तुमको इस मिसवाक से जो है तंबी करता फिर भी फरमाया भाई मिसवाक से भाई अंदाज है प्यार का कि भाई वो तम करना भाई क्या कर रही हूँ मसवाफे भी फरमाया कि मैं मसवाक से तुम्हें जो है एहसास एह एह दलाता अगर क्यामत के दिन बदले का खौफ ना होता तो हजूर सल् ने फरमाया किमत के दिन फरमाया क्यामत के दिन जिसने किसी को मारा क्यामत के दिन उसका बदला उससे दलवाया जाएगा वहा तो इस्लाम देख कितना नबी है इमाम है मासहूम है कोई गुनाह का काम भी नहीं भाई खादमा है उसको भी मिसवाक से भाई इशारा करना भाई ये भाई तो क्यों तुमने किया लेकिन फरमा रहे मैं नहीं कर रहा मैं ज़रूर इसको मिसवाक इसने ये काम किया है तखीर की है लेकिन क्यामत के बदले का खौफ ना होता तो ये हमें तालीम दे रहे हैं हमें खौफ नहीं लोगों की गीबतें चुगलियाँ धोखे ऊँ पर इल्ज़ाम तराशी ज्यादती मतलब यानी क्या होगा फिर तो ये इस्लाम के व नौकरों के साथ उस था जो हमारा अगर एक दूसरे के साथ भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है जो वो लोग नौकरों ख़ादमों के साथ जो है वो तल्लक रखते थे दूसरी बात अम्माइशा फरजी अल्लाह तरमाती हैं कि आप अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को लोगों से बकसरत मशवरा करते नहीं देखा हैं कि मैंने नबीसम से ज्यादा ने भी रवायत की ज़्यादा मैंने किसी को मशवरा करते नहीं देखा अब हमारे हर बंदा फिरौन बन के बैठा हुआ है यानी अक्सर जो है मैं ज्यादा जानता हूँ मुझे पता है मुझे गया जो पूछने की बस मैं जिस तरह कह उ करू तो जिनको अल्लाह पाक ने सारी मखलूक से ज़्यादा फरिश्तों से नबियों से बढ़ कर इल्मरमायाता फरमाया क्योंकि हजूल को अल्लाह पान फरमाया का मालम तकनताम जो आप नहीं जानते अल्लाह ने मैंने आपको इल्म दिया कान फजल आलि का अज़ीम और अल्लाह का बहुत फजल अज़ीम है आप पर इतना इल्म वही भी आप पर आ रही है और अल्लाह ने उसके बावजूद इस्लाम सहाबा से बीवियों से घर वालों से भी मशवरा करते भाई आप कहें आपका क्या ख्याल है इस बारे में मरे लोग बेजती हैं इसमें बुजुर्गी की कम कमी है जो पीर बने आलिम वो आलोतने तो वो तो करना ही नहीं वो तो क्या समझ जाए कि भाई जो बड़ा है घर का वो, वो मेरी तो बेजती हो जाएगी वही उनकी राय पूछना भाई आपके ख्याल में क्या होना चाहिए आपका क्या ख्याल है इसके बारे में फिर आप फैसला दे सकते हैं फिर आप फैसला दे सकते हैं अगर आपको समझ ज्यादा है तो आप समझते हैं लेकिन पहले जो है मशवरा करना लोगों से जो अहल राय लोग हैं यानी आप नहीं बेवकूफ़ों से मशवरा नहीं करना अहल राय लोग भाई जो अपना सियाने लोग हैं किसी फील्ड के मतलब तमाशा फरमाती हैं कि नबी सल वसलम की ये हैबिट यानी आदत मुबारक थी किसी को आप सर वसम से ज़्यादा मैं नहीं देखा मशवरा सहाबा से मशवा कर रहे हैं जंग बदर के बारे में मशवरा फरमाया और जो जो बातें होती आप मशुरा फरमाते तो अब उसके अदाब हैं वो सीखे हमें वो ही नहीं सीखे सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी से मशवरा मशवरा है कि वो लड़ाई का एक जो है मतलब अखाड़ा बने होता है मशवर तो उसका अदाब होते हैं उसका तरीक़ा है नबी ने सिखाया हुआ कि किस तरह मशवरा करना है कैसे करना है फैसला कैसे करना है क्या सोचना है क्या सोच के बैठना है सारे तरीका है वो सीखेगा तो पता चलेगा और उसमें फिर के हजूर वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया मशवरे का हुक्म दिया चूँकि मशवरा में ख़ैर और बरकत है फरमाया उसमें खैर और बरकत जो है आती है और ये कि हज़रत इबन अब्बास रजी अल्लाह तम आयशा फरमाती हैं कि नबी वम को हरे भरे मैदान और बगीचे बहुत महबूब थे पिछली मरतबा भी इसकी कोई हदीस सुनाई थी, थी आपको कि आप आपशा से मालूम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तफरी के लिए सैर के लिए निकलते थे तो उन्होंने कहा हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीले यानी पहाड़ या ये जो पहाड़ियाँ होती हैं और वादियाँ जैसे वादिया होती वैलीज़ होती है कि तरफ तफरीह के लिए मतलब निकलते थे हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप वसल्लम को हरियाली और बहता पानी बहुत महबूब था मतलब ये कि अगर वक्त बंदे के पास है तो ये भी सुन्नत है कि अपने तफरी अपने नफ्स को थोड़ी खुशी आराम सुकून जो है अपना देना ये पहा यानी जहाँ भी बंदे को पसंद लेकिन आप सलाम की पसंद थी कि बहता हुआ पानी हरा भरा हरियावल ग्रीनरी पहाड़ियाँ चश्मे इस्लाम जाते उधर तशरीफ़ ले जाके उसको वहाँ जो है सैर भी फरमाते आराम भी फरमाते और देखना और हमारे मशाइ ने बयान किया कि ये क्यों अम्बिया आलाम को ये हरियाली और ये नहरें ये पसंद हैं इसलिए कि इसमें इन में जन्नत की मुशाबत पाई जाती क्योंकि जन्नत की जो सिफत अल्लाह ने बयान की कुरान जी में कि जन्नत के जन्नत बाग हैं तजरीब तहती हल अनहार जिनके नीचे नहरें बह रही हैं तो वो तो और चीज़ है लेकिन फिर भी एक मुश्बत है नहरों की और हरे अवल की तो हम बिया इस्लाम की जन्नत से उनकी जन्नत उनके सामने अल्लाह ने की तो दुनिया में भी जो जन्नत की मसाले उनको ज़्यादा पसंद है वो फिर तो जायज़ तफरी करना ये भी सुनत है अब ये नहीं कि हर वक्त बंदा ठीक है दीन का काम कर रहा है साथ साथ ये भी वक्त मिले अपने बच्चों को अहल व्याल को दोस्तों को साथ ले जाकर अपना करे तो ये सुन्नत की नीयत से करेगा तो इसको भी अजर अपना मिलेगा ठीक है बस यही काफ़ी है आप चंद मरतबा दरूदोसलाम पढ़ ले फिर जो है दुआ करना صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما أبداً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي والفريقين من عرب ومن عجمي مولاي صل وسلم دا من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل سل وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا الأمين المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين يا يرحم الراحمين हम तेरे गुनागार बंदे हैं इस दुनिया में यहाँ तेरे नेक बंदे भी हैं अबालमीन हमें भी यार हमरमीन अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा हम स्याकार बदकार नादान है हमें अपने पास से समझ अता फ़रमा इल्म इल्मा फरमा फ़हम अता फरमा हदायत अता फ़रमा जिसको तू हदायत अता कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता यारबालम जिसको तो हदायत ना दे वो कभी हदायत पर नहीं आ सकता यार हमर रहामिन हमें सीधे रास्ते की तरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम और सुन्नत और महब्बत की तरफ जो है हदायत नसीब फरमा इस नसीब फरमा ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रख ईमान और सुन्नत पर मौत अता फ़रमा यह अर हमर जिस मकसद के लिए तूने हमें दुनिया में भेजा उसको जानने समझने पूरा करने और फिर उसको आगे पहुंचाने की तोफ़ी अताफ़रमा यहामर रहामिन हमसे राज़ी हो जा काम तो हमारे राज़ी के होने वाले नहीं अपने फ़जल से तो राज़ी हो जा यारब्बलमीन ला यारमर हमारी जुमा की नमाज़ ज़िंदगी भर की नेकियां, छोटी बड़ी जो हैं तेरी बार में पेश करने के काबिल नहीं यारहमीन अपने फ़ज़लो करम और एहसान और लुत्फ़ से और रहमत से उनको कबूलीत का शर्फ़ अताफ़रमा तो कबूल फ़रमाएगा हमारी दुनिया आख़रत समर जाएगी यार हमरमिन हजूर सलाम की सीर तो सूरत की मोहब्बत अता फ़रमा और आपलाम का इतबा नसीब फरमा हजूर आई सलाम का पैगाम और मिशन दूसरों तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फरमा यही काम करते करते ख़ुद तेरी इताहत और तेरे नबी नबीम की सुन्नत की तबाह करते हुए और इसी पैगाम को आगे फैलाते हुए हमें दुनिया से ले जा हमारी आख़रत भी अच्छी फरमाना कबर की ज़िंदगी अच्छी फरमाना हशर में हिसाब किताब में आसानी पैदा फरमाना बल्कि बग़ैर हिसाब किताब से हमें नजात अता फरमाना नबी सल्वलम की शफात नसीब फरमाना हमें बुरे लोगों की बद नजरी से हाँ दिन के शर से शैतान व दुनिया के शर से महफूज फरमा जितने लोग हाजरीन बैठे हुए हैं इनकी ज़िंदगी में आमाल में रिज्क में तकवा में हदायत में मार्फत में बरकत नसीब फरमा وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين برحمتك يا أرحم الراحمين